नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश सिद्धि की सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही होता है अनुशासित। गोरखपुर में होने वाले किसान मोर्चा के सम्मेलन की तैयारी बैठक करने के पश्चात सीएम योगी बस्ती जनपद के लिए हुए रवाना। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे किसान सम्मेलन को संबोधित। पुलिस आरक्षी परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, मुकदमा दर्ज करके होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर से उड़े वायुसेना के जगुआर विमान का कुशीनगर के हितिमपुर में हुआ क्रैश। आईजी ने कहा, पायलट सुरक्षित, नहीं हुई कोई जनधन की हानि। शासन के विकास परक योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नवनिर्मित कुश्ती हाल का फीता काटकर किया उद्घाटन। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी में सीधी भर्ती परीक्षा। एसएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। कहा, सुचिता पूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक हॉकी मैदान का फीता काट कर किया उद्घाटन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल में नहीं था स्टटर। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के नगवा व बुड़ैली में विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित भाव से कर रही है कार्य। गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। बाबा गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर लोग मांग रहे हैं मन्नत। निरस्त समायोजन की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। और मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग हुआ समापन। कुशीनगर खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सपहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवा श्रम को ग्राम उद्योग में मिला प्रथम स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर सोमवार को 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें ₹24,98,00,000 की लागत से 8 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा ₹11,56,00,000 की लागत से 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में आबकारी भवन, पुलिस विभाग में क्राइम ब्रांच ऑफिस, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान तथा कुश्ती हाल, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि, सदर तहसील में आवासीय भवन का निर्माण कार्य, सुभाष भवन में मेस टॉयलेट, सीवरेज कॉमन रूम का जीर्णोद्धार कार्य तथा गीडा सेक्टर 5 न्यू गोरखपुर में आवासीय योजना में 5 नग पार्क का निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 9 परियोजनाओं, जिसमें शहीद स्मारक डोहरिया कला के सौंदर्यीकरण, कैंपियरगंज में ग्राम बरगधई स्थित शिव मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य, संत रविदास मंदिर अलावपुर के सौंदर्यीकरण का कार्य, कैंपियरगंज के ग्राम कल्याणपुर में वैसही देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य, कैंपियरगंज के ग्राम सुंभाखोर में समय माता मंदिर एवं पोखरे का सौंदर्यीकरण कार्य, तहसील बांसगांव स्थित ग्राम तिखरा में तालाब के सौंदर्यीकरण आदि का कार्य, भरोया शिव मंदिर कैंपियरगंज मंडलीय कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य तथा शहीद स्मारक चौरीचौरा में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी मैदान एवं कुश्ती हाल के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने उसका विधिवत अवलोकन किया। स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जिम्नास्टिक हॉकी खेल का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही अनुशासित होता है। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित प्रदेश व देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों
की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि इस सुविधा के अभाव में खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन भरपूर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खेल सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग पदक विजेताओं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण पदक 6 करोड़, रजत पदक 4 करोड़, कांस्य पदक 2 करोड़ की प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दी जाती है। इसी प्रकार एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक 50 लाख, रजत पदक 30 लाख, कांस्य पदक 15 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 जनवरी को प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न खेलों में एक एक खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अंतर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई कांस्य प्रतिमा तथा ₹3,11,000 की धनराशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को विकसित करने हेतु राजस्व एवं खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में खेल का मैदान स्थापित हो, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी बने। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने तथा स्पोर्ट्स कोटे की रिक्तियों को तत्काल प्रभाव में भरे जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। विशिष्ट अतिथि के रूप में खेलकूद युवा कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि खेलों को विकसित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। खेल का वातावरण बने तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उसे निरंतर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। खेल निदेशक RP सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, ADG दावा शेरपा, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वीर बहादुर सिंह, कोर्ट स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य AK पांडे सहित खेल जगत से जुड़े ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रशिक्षक और खिलाड़ी उपस्थित रहे। परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस मंच पर आज में हैं, आपका स्पोर्ट्स कॉलेज परिवार की तरफ से स्वागत। जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं जिनका आशीष हम सभी को मिलता रहे, ये कॉलेज स्पोर्ट्स कॉलेज खेल मंत्री चेतन चौहान जी से, निदेशक डॉक्टर RP सिंह जी, आप हमारे अतिथियों को लेकर आए। माँ सरस्वती के प्रतिमा पर माला पहनाकर परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ अंशुमा सदगम्य तमसुमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य मंच पर विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, महंत रविंद्र दास जी महाराज, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री चेतन चौहान जी से आंतरिक और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, निदेशक उत्तर प्रदेश अनुरोध डॉक्टर RP सिंह साहब से कि आप लाल दुला ये प्रेम का सवाल का प्रतीक मानी मंत्री जी का भी स्वागत और भी आप आए उत्तर प्रदेश में देश का साथ
दिया जा रहा है
खेल को प्राथमिकता दी जा रही है, खेल का वातावरण बनाया जा रहा है, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर आज ये मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया जा रहा है, हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी प्रकार से अन्य जगहों पर जो बहुत सारी सुविधाएं थी, आधी थी, अधूरी थी, जगह पर जो जगह खड़े होते चले जा रहे थे, जो 15 साल से चीजें बनी हुई थी, छोड़ गई थी, सब एक एक करके पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार इस बात से और हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है अपने मुखारविंदों से खुद ही कहिए, लेकिन बहुत बड़ा जो एक मैं समझता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने काम किया है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपया देगी, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ रुपया देगी और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 2 करोड़ रुपया देगी। ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सुविधा और ये बहुत बड़े जो है मोटिवेटर जो है मैं कहूँगा कि वो हमारे खिलाड़ियों के लिए 24 तारीख को उत्तर प्रदेश खेल दिवस था, 16 खिलाड़ियों को 8 बच्चों को लक्ष्मण पुरस्कार दिया और बच्चों को रणजासी पुरस्कार दिया। हर एक खिलाड़ी को जिसको पुरस्कार दिया गया, हर खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3,11,000 रुपया दिया है, 3,11,000 रुपया प्रत्येक खिलाड़ी को। तो यही इस प्रकार की जो घोषणा हो रही है, इस प्रकार का जो पुरस्कार राशि दी जा रही है, ये बहुत बड़ा बढ़ावा मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के लिए होगा। और मैं बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी का एक खिलाड़ी के नाते मैंने धन्यवाद करना चाहूंगा कि विशेष रूप से मुझसे भी बात करते रहते हैं। अभी 24 तारीख को उन्होंने घोषणा की है कि जो 2% खेल का कोटा है खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के लिए 11 विभागों में नियुक्तियां खोल दी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, पूरा किया जाए, मैं समझते हैं बहुत बड़ी सौगात हमारे खिलाड़ियों के लिए है। पुरस्कार राशि भी दी गई, नौकरी मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो खिलाड़ी थे वे इसे आकर मिलते थे कि साहब हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का भविष्य नहीं था, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार के सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है माननीय आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले बाहर चले जाते हैं, ये सब एक एक करके वापस आना शुरू कर देंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो खेल के अंदर निकल कर आएंगे। हाँ, मैं खेल इंडिया अंडर 17 अंडर 21 टूर्नामेंट होते खेल इंडिया में, और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश जो है वो 6वें नंबर पर आया, पहले हमारा नंबर बहुत नीचे होता था, 6वें नंबर पर आया, और टोटल रेटिंग यदि हम लोग आते हैं तो हमारे 4th स्थान का, मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ियों ने बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है और आगे भी बहुत मेहनत करेंगे। मैं फिर से मैंने मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, समय निकाल कर आप आए हैं हमारे बीच में, और आपके आने से खिलाड़ियों में जोश, नया जोश पैदा होगा और खिलाड़ियों में एक बड़ा मोटिवेशन आएगा और खेलेंगे, और हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं अपने देश के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झंडा जो है फहराएंगे। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। So
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खेल और खेल इस नाम पर देश की प्रजा के प्रति हमारे नौजवानों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए जो प्रणाम प्रणाम की है उसका प्रणाम हम सबके सवाल है। चार वर्षों के दौरान जो देश के लिए कार्य हुए हैं उसके परिणामस्वरूप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी और भारत के मजबूत होने पर इस संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। नहीं नहीं साउंड नहीं रखा गया, साउंड से दूर रखा गया। उस व्यक्ति की रचनात्मक क्रांति के साथ ही उस व्यक्ति के जीवन के अनुशासन को भी प्रदर्शित करते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस प्रकार के प्रयोजन होने के कारण
अब जो भी रहा वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने में निपुण होते हैं। और इसलिए चूंकि खेल मंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं है तो खिलाड़ियों की परेशानियों को समझते हैं, हम खिलाड़ियों की परेशानियों को समझते हैं। हमने वहां पर इस पर ध्यान दिया और आज यहाँ पर इतनी योजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है, साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। आने वाले समय में भरतपुर का देव बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश के सभी संस्थाओं के लिए प्रेरक बने, इस दृष्टि से एक जो कार्य प्रारंभ हुआ है देश के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज के सभी खिलाड़ियों को भी, भरतपुर वासियों को भी, प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आज यहाँ पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आए हैं, अभी 24 जनवरी को प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया और स्थापना दिवस के अंदर प्रदेश के लिए अनेक अनेक विभागों के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए थे, इसमें खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया जिसमें लक्ष्मण पुरस्कार से प्रदेश के हरहार खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्य हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी के पुतला प्रमाण पत्र और 3,11,000 रुपए प्रति खिलाड़ी यहाँ वहां पर प्रदान किए गए और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें रानी लक्ष्मी बाई के पुतला 3,11,000 रुपए और एक प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हम लोगों ने 6 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदेश की ओर से अलग से प्रदान की है। साथ ही साथ प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी हम अलग से प्रदेश की तरफ से स्वरूप राशि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उन खिलाड़ियों को जहां सरकार अपनी ओर से बड़ी सरकार अपनी ओर से सहयोग कर रही है, वहीं पदक प्राप्त करने वाले स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30 लाख और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से अलग से प्रोत्साहन स्वरूप स्वरूप उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक स्थापना सुविधाओं का विकास हो सके, इसके लिए चाहे नए स्टेडियम बनाने के हो, बहुद्देशीय हॉल का निर्माण का हो, स्विमिंग पूल और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट की स्थापना का हो, या शूटिंग रेंज, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक हॉकी मैदान, कुश्ती हॉल, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक या ट्रैक लाइनयुक्त सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, इन सबके निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्ष के दौरान कुछ न कुछ कार्य किया गया और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास 71 स्टेडियम, 67 बहुद्देशीय हॉल, 38 स्विमिंग पूल, 15 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 5 शूटिंग रेंज, 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 9 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 9 कुश्ती हॉल, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 5 फ्लड लाइट युक्त 2 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम भी आज हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जहां हम प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और अपनी प्रतिभा को बेहतर प्रदर्शन करने का एक अवसर इनके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि खेल के माध्यम से अपनी युवा ऊर्जा को उचित मंच प्रदान करने के लिए जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, यह वास्तव में
प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न केवल अच्छे पदक दिलाने में बल्कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर करने में इस प्रकार के प्रोत्साहन के कार्यक्रम बड़ी मात्रा में मददगार होंगे। मैंने इस बारे में राजस्व विभाग से भी और खेल विभाग से भी कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, इनको अपने पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सके। हमारा प्रयास होना चाहिए हर गांव में खेल का मैदान आरक्षित जरूर हो और फिर उसको हम स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप खेल का मैदान एक बना करके बच्चों को खेलने के लिए एक मंच हम गांव में ही प्रदान पहले करें, फिर गांव से सिलेक्शन करके उन्हें स्पोर्ट्स कॉलेज में ला करके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करें। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी कोई पदक प्राप्त करते हैं उन सभी खिलाड़ियों को न केवल नगद धनराशि अपितु चाहे वह ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में जिन खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, पदक प्राप्त किया जाता है, उन्हें राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने की व्यवस्था भी हमारी सरकार करती है कि राजपत्रित अधिकारी के रूप में उन्हें सीधी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ यही व्यवस्था की जा रही है। मैंने अभी इस बारे में कहा है कि जितने भी स्पोर्ट्स कोटे की जगह खाली है अपने नवोदित खिलाड़ियों को जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल या किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में जो उसकी पात्रता में आते हैं कोई पदक जीता है, भारत को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया है, उन सबके जहां भी जगह खाली है उन खिलाड़ियों के कोटे को तत्काल भरने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए जिससे हमारे खिलाड़ियों को भरपूर अवसर आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हो सके। आज के इस अवसर पर जब यहां पर गोरखपुर में एक साथ हम लोग अनेक प्रयोजनों का सिंथेटिक हॉकी मैदान हो या फिर नवनिर्मित कुश्ती हॉल, इन सब के अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर स्पोर्ट्स कॉलेज के अपने सभी इन मौजूद खिलाड़ियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जिस टीम भाव के साथ आप अपनी टीम को विजेता बनाते हैं, इस टीम भाव के साथ हम प्रदेश के विकास के लिए भी अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को सर्किट हाउस के सभागार में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस्ती जनपद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। इसके पूर्व सीएम योगी ने 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में होने वाले किसान मोर्चा के सम्मेलन की सफलता के लिए अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम के सफल आयोजन की रणनीति तैयार की। गौरतलब है कि किसान मोर्चा के सम्मेलन में 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सोमवार को बैठक के बाद सीएम बस्ती जनपद के लिए निकले जहां पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उसके बाद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। सौरभ
गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित स्टेपिंग स्टोन इंटर कॉलेज गोरखनाथ में चल रहे पुलिस आरक्षी व पीएससी की सीधी भर्ती परीक्षा में संतोष कुमार पुत्र रामेश्वर यादव निवासी पटना बिहार द्वारा अरुण यादव पुत्र ब्रिज नंदन यादव निवासी हाटा पोखरा तथा बनकटा जनपद देवरिया के स्थान पर परीक्षा दी जा रही थी, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड व एडमिट कार्ड बरामद हुआ है, जिसके खिलाफ गोरखनाथ थाना पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। कोई अनियमितता नहीं है। हाँ, एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी के नाम पर देता हुआ पकड़ा गया एक व्यक्ति, जिसको गोरखनाथ थाने में अभी हमने लाया है और उसको एफआईआर देने की तैयारी करी जा रही। एक संतोष कुमार नाम का व्यक्ति है, जो अरुण कुमार नाम से एक परीक्षार्थी था और उसके पास से फर्जी एडमिट कार्ड और फर्जी आधार कार्ड मिला है अभी तक, तो उसके लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से उड़े वायुसेना के जगुआर विमान का कुशीनगर जिले के हितिमपुर में भैंसहा सदर टोला में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विमान के पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पैराशूट से नीचे कूद गया। विमान क्रैश होने से विमान में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लेकिन विमान जहां गिरा वो खाली एरिया था, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने बताया। यस तिमपुर गांव कसया थाने में जाते हैं, एक फाइटर प्लेन जो है गिरने की सूचना मिली है और उसमें केवल पायलट थे और उन्हें जाते हैं घायल अवस्था में जाते हैं और यहां पर गोरखपुर रिफ़र कर दिया गया है और आसपास के गांव की में कोई क्षति नहीं हुई है और शेष वहाँ एसपी और डीएम वहाँ मौजूद है और विवरण से अवगत कराया जाएगा।
शासन के विकास परख योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। गोरखपुर के NIC बिल्डिंग में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त अमित गुप्ता, DM के विजेंद्र पांडियन, ADM प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुज गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव में सरकार के विकास योजनाओं ने शामिल विभिन्न कार्यक्रमों के प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो ज़ूम कीजिए इनका, तो क्या आवाज आ रही है? आवाज शायद आ रही होगी। DM गोंडा बता दे, आर यू एम आई ऑडिबल? थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं जस्ट चेक कर रहा था, तो करने दे जिसपे मुझे जिलाधिकारियों से सर अनुरोध करना है। सर आपको यहाँ पर सर कुछ उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 948 फीडर ऐसे हैं जिसके लाइन हानिया 50% से अधिक हैं और 50% से ऊपर लॉसेस हैं। ये रोजगार ब्रेकअप और फीडर्स की पूरी सूची प्रेषित की है। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही होता है अनुशासित। गोरखपुर में होने वाले किसान मोर्चा के सम्मेलन की तैयारी बैठक करने के पश्चात CM योगी बस्ती जनपद के लिए हुए रवाना। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे किसान सम्मेलन को संबोधित। पुलिस आरक्षी परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार। SSP ने कहा, मुकदमा दर्ज करके होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर से उड़े वायुसेना के जगुआर विमान का कुशीनगर के हितिमपुर में हुआ क्रैश। IG ने कहा, पायलट सुरक्षित, नहीं हुई कोई जनधन की हानि। शासन के विकास परख योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नवनिर्मित कुश्ती हाल का फीता काटकर किया उद्घाटन। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं PSC में सीधी भर्ती परीक्षा। SSP ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। व्यवस्था से दिखे संतुष्ट, का सुचिता पूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक हॉकी मैदान का फीता काट कर किया उद्घाटन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल में नहीं था स्टोटर। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के नगवा व बुढ़ैली में विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित भाव से कर रही है कार्य। गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। बाबा गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर लोग मांग रहे हैं मन्नत। निरस्त समायोजन की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। और मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग हुआ समापन। कुशीनगर खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सपहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवा श्रम को ग्राम उद्योग में मिला प्रथम स्थान। अरकम सी ट्रेवल्स आर्य खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से
परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D इको और पेसमेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार मेडिकल कॉलेज रोड, चरगांव, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता की होता है, वो चाहता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में करोड़ों की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती हाल का सोमवार को फीता काटकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया।
खेलों को विकसित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। खेल का वातावरण बने तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उसे निरंतर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुश्ती खिलाड़ियों के लिए मेहनत और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने और मेडल लाने के लिए कुश्ती हाल मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में खेलकूद युवा कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान, खेल निदेशक आरपी सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य ए.के. पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा, देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय हॉल, इसका आज उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। एस्ट्रो टर्फ, उसका उद्घाटन हुआ है। ये तो स्पोर्ट्स कॉलेज में सुविधा है। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर भी एक जिम्नेजियम हॉल बनाया गया है, बैडमिंटन कोर्ट है। ऐसी चार चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। और कुछ और जो है, खेलो इंडिया खेलों में कुछ हमारे पास मिनी स्टेडियम आए हैं गांव देहात में, उनका भी आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष, महिला एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा जिले के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा की शुचिता के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग करते रहे। एसएसपी ने जेल बाईपास रोड स्थित हिमालय पब्लिक स्कूल सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर चल रही परीक्षा का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं से अवगत हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, हाँ बताओ।
सब ठीक है? कैमरा रूम दो है सर। हाँ सर ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, सबकी हर कमरे की सर। हेलो, चलो मैं भेजूँ। दो मॉनिटर है जो 15-15-30 15 इधर है 15 उधर? नहीं सर, 16-16 इसमें। 16-16 नहीं, कमरे टोटल कितने? टोटल 15 कमरे। उन्होंने यूज किया 15। अच्छा, कमरे तो आपके पास कैमरे तो बहुत ज्यादा है। 32 कैमरे हैं बोलो। सब कैमरे के प्रोसीडिंग नहीं हो रहा है? जी आप देख रहे हैं, शहर के 30 केंद्रों पर भर्ती परीक्षा चल रही है, सब सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर एक ये सेंटर है हिमालयन पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर 480 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें से 428 उपस्थित हैं, एक भारी संख्या है। 90% से आसपास जो है परीक्षार्थी, 80-90% परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। और ये आज 4 चरणों में परीक्षा थी, कल और आज, कल सुबह की पाली, शाम की पाली, आज भी सुबह की पाली और आज शाम की पाली में ये समाप्त हो जाएगी 5 बजे। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और इसमें पूरी तरह से आपने खुद ही देखा होगा कि हर कैमरे में CCTV कैमरा लगा हुआ है हर कमरे में, और सभी हाईटेक उपकरणों के साथ में जो कार्यदायी संस्था है वो इसको करा रही है, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी इसको करा रही है। पुलिस का इससे कोई लेना, लोकल पुलिस का कोई इसमें लेना देना नहीं है। हमारा काम है सुरक्षा प्रोवाइड कराना और न्याय और निष्पक्ष रूप से इसको सुचारू रूप से चलाना। नहीं, फिलहाल कोई अनियमितता नहीं मिली है। हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खासकर पूर्वांचल और गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई सौगात दी है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी मैदान का सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हॉकी से गेंद को जोरदार शॉट मारकर शुभारंभ किया। इस दौरान वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच औपचारिक मैच खेला गया, जिसका मुख्यमंत्री ने देखकर लुत्फ़ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस सिंथेटिक मैदान पर हॉकी के खिलाड़ी गेंद की रफ्तार से मुकाबला कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं खेल निदेशक RP सिंह ने कहा कि खासकर गोरखपुर और पूर्वांचल में कहीं भी एस्ट्रोटर्फ नहीं था। हॉकी खिलाड़ी जब शुरू से ही एस्ट्रोटर्फ पर खेलेंगे तो उनको इसका लाभ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि जब एस्ट्रोटर्फ नहीं था तो खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिल पाता था। पूर्वांचल के खिलाड़ी बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें बचपन से ही इस खेल पर खेलने का मौका मिल रहा है, आने वाले दिनों में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में खेलकूद, युवा कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान, खेल निदेशक RP सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, कालीवाड़ी के महंत रवि दास, महेंद्र पाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य AK पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गौरवपूर्ण संवाददाता से बात करते हुए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने कहा, हमेशा
थोड़ा थोड़ा ग्राउंड से देखिए जो ये टर्फ का आज उद्घाटन हुआ है, खासतौर से गोरखपुर और पूर्वांचल अगल बगल कहीं भी ये टर्फ नहीं थी और जो मॉडर्न हॉकी है वो टर्फ की ही है। तो इसके लग जाने से जो भी हमारे विद्यमान बालक बालिकाएं हैं, खिलाड़ी हैं, वो शुरू से इस पर खेलेंगे और उसका लाभ उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि पहले जब ये टर्फ नहीं था यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता था। हम लोग भी यहीं रीजनल स्टेडियम में ग्रास पे खेल के वहाँ पहुँचे, तो जब वहाँ हम लोगों ने पहली बार टर्फ देखा तो समझ में नहीं आ रहा था। आज ये लड़के सौभाग्यशाली हैं, खासतौर से ये पूर्वांचल के लड़के, उनको बचपन से इस पे खेलने का मौका मिल रहा है, तो वो शुरू से ही इसमें आदी हो जाएंगे और आने वाले दिनों में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। जो मॉडर्न हॉकी है वो स्पीड और स्ट्रेंथ की हॉकी है और बहुत फास्ट गेम होता है। इसमें नहीं है कि गेंद नहीं रुकी, इसमें 100 में आप आंख बंद करके भी रुकिए तो 100 में 95-96% बॉल अपने आप रुकती है। और इसमें जितना आपके पास स्पीड होगी, स्ट्रेंथ होगी, उतने ही आप अच्छा खेलेंगे। तो खास तौर से ये परफेक्ट ग्राउंड होती है, ये नहीं कि ग्रास की है या कहीं आप बजड़ी पे खेल रहे हैं, बॉल आई तुरंत उठी और लाइन के बाहर चली गई। और सबको समान रूप से ये मौका देता है, जो अच्छा होगा वो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। सर, जैसे आम ग्राउंड पे खेलने से और इस पे जो खिलाड़ी खेलेगा पहली बार, उसको किस तरह की? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है, इसके लिए जूता अलग चाहिए, हॉकी चाहिए और बॉल अलग है ग्रास की, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसके लिए तो कम से कम इसके जूते अलग आते हैं, इसकी हॉकी अलग है, इसके बाल अलग हैं, तो टोटली डिफरेंट है ये हॉकी। जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हैं इंडोर और आउटडोर, वही समझिए कि ग्रास में और टर्फ में ये अंतर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हॉकी है वो इसी टर्फ पे होती है, तो हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने खेल को शुरू से इस पे खेलें और आगे बढ़ें। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के नगवा व बुढ़ैली में इंटरलॉकिंग तथा ग्राम सभा सरहरी में शव दाह गृह निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तमाम योजनाएँ संचालित कर रही है, उसको संज्ञान में लेकर अधिक से अधिक लाभ लेने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने ग्रामीणों से निवेदन किया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता किसी भी कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो मुझे अवगत अवश्य कराएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। सरकार की योजनाओं में खर्च होने वाला रुपया आपका है, इसकी देख रेख की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। श्री सिंह ने विभिन्न ग्राम सभाओं में लगभग 1,59,00,000 रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह, गंगा जायसवाल, मंटू सिंह, ओम शरण यादव, पिंटू सिंह, राजेश सिंह, नगीना साहनी सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी मौजूद रहे। हिंदू धर्म संस्कृति और नाथ संप्रदाय की परंपरा के सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी है। मकर संक्रांति और बुढ़वा मंगल के सकुशल संपन्न होने के बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मेला पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिससे मंदिर में दर्शन करने वाले आने वाले दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ ने बताया। आ, 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 आ,
सोमवती अमावस्या है, बसंत पंचमी भी है और पुनवा मांग के पुनवासी भी है। अभी अभी तीन नहान है, अभी तीन जगह टाइम है। अभी अभी चलेगा, अभी तो अभी मांग के पुनवासी तक चलेगा। अभी तो बसंत सोमवती अमावस्या नहान है, बसंत पंचमी है और मांग के पुनवासी भी अभी चलेगा। अभी तो संक्रांति मेला लगता है तो श्रद्धालु काफी आते हैं। हाँ, वो तो लगा इस साल तो दो बार लगातार हो गया, चौदह पंद्रह। अब तो खिचड़ी चढ़ाई है, मेला तो लगता ही है, बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। तो हर एक साल तो मेला बढ़ ही रहा है। इस साल कुंभ भी लग गया इसलिए और बढ़ गया। अभी नहान भी बाकी है, भाई शिवरात्रि है, ऐसे चल ही रहा है। अभी तो ये तो परंपरा चले पहले चले जाए, त्रेता से चलता है, त्रेता युग से। ये तो गोरखनाथ जी वहाँ ज्वाला जी से आए थे भिक्षा मांगने के लिए, वहाँ तामसी भोजन बनता है। तो गोरखनाथ जी जंगल लेके तपस्या किया यहाँ, तो खप्पर लेके आया था, वो खप्पर भर भी नहीं पाया। अब यहाँ से गोरख तपस्या करते करते उसी दिन खप्पर लाया, तो खप्पर खप चढ़ाया, उसी दिन से खिचड़ी त्रेता युग से खिचड़ी चल ही रहा है। अभी तक परंपरा चले आ रहे हैं, यूपी के पूरा सभी जगह आते हैं ऐसे। तो हाँ, राजा को सब पहले चढ़ाते हैं, राजा पहले चढ़ता है खिचड़ी दिन, उसमें पहले राजा चढ़ता है, उसके बाद महाराज चढ़ते हैं, उसको और चढ़ाते हैं, इस चढ़ाते सब शुरू हो जाता है। राजा पहले चढ़ाते हैं, उसके नाम से चढ़ता है, राजा तो नहीं है, उसके नाम से चढ़ जाता है, उसका अलग टोकी रखाता है चढ़ाने के लिए। चला गया, अच्छा चलता है, परंपरा चले आए, राजा परंपरा से चले आ रहे हैं, चलेगा है। जब तक ये गोरखनाथ जब चल ही रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों ने सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी के नेतृत्व में निरस्त समायोजन की बहाली के लिए एक दिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। इस संबंध में गौरखपुर संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष राम नगीना निषाद ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, निषाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, मांगे पूरी हो, आवाज दो। राम नगीना निषाद, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश जनपद इकाई गोरखपुर। जैसा कि सर विदित है, हम लोग विगत 17 वर्षों से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं और बीच में हम लोगों का पूर्व की सरकार ने समायोजन कर दिया था, माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। उसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय से भी हमें बर्खास्त कर दिया गया था। मांग करते हैं कि अध्यादेश ला करके हमारे समायोजन को पुनः बहाल करें या हमारे पद में किसी प्रकार का अन्य नाम परिवर्तन करके उसी वेतन मान पर बहाल करें कि बिना कटऑफ लगाए हमारे भरांग को देते हुए हमको सहायक अध्यापक पद का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो आगे का रणनीति हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से आदेशित करेंगे आगे की लड़ाई भी पुनः लड़ेंगे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर टाउन हॉल कचहरी क्लब के मैदान में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का सोमवार को रंगारंग समापन हुआ। प्रदर्शनी में कुशीनगर खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान सपहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवाश्रम कानपुर को ग्राम उद्योग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सभी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्य ललन प्रसाद तिवारी, विशिष्ट अतिथि खादी ग्राम उद्योग आयोग गोरखपुर क्षेत्र के निदेशक के पी राम रहे। इस अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हाफिज नसीब अहमद खान, एम के गुप्ता, गिरीश चंद्र सिंह, ए के पाल, एन पी मौर्या सहित ग्राम उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्य ललन प्रसाद तिवारी ने कहा, बाकी सर तालियों से स्वागत कीजिए। प्रदर्शनी में बीच बीच में थोड़ी सी प्राकृतिक बाधा भी आई, क्योंकि एक दो दिन बहुत रात में बरसात भी हो गई, लेकिन खुशी की बात यह रही कि हमारी इकाइयों के जो प्रतिनिधि बनाए हुए हैं उनसे जब जानकारी किया गया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, अब ये प्रकृति की महिमा है। तो मतलब कुल मिला मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी व्यवस्था बनाए थे उसमें हम लोग सफल रहे हैं, कहीं से कोई विशेष शिकायत नहीं रही, किसी भी तरह की कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रही। दूसरा, इसमें जो इकाइयाँ हमारी प्रतिभा की हैं प्रदर्शनी में, तो इसमें हम लोगों ने जो है समिति के तरफ से इनके प्रदर्शन और बिक्री का जो आंकड़ा रहा है तो उसको हम लोगों ने डेली जो है जिस दिन की बिक्री शाम तक होती थी, रात में होती थी, उसको सुबह कलेक्ट किया जाता था और सब अपने अपने हस्ताक्षर से जो आंकड़े हम लोगों को प्राप्त कराए गए हैं कार्यालय में उसके आधार पर समिति ने जो है निर्णय लिया है। तो उसमें खादी सेक्टर की 3 इकाइयों को हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ग्रामोद्योगी सेक्टर की जो हमारे इकाइयाँ हैं उनके लिए भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये पुरस्कार उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। समापन अवसर पर दे श्री के पी राम सर। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा और खादी आयोग द्वारा एक 10 दिवसीय प्रदर्शनी लगी हुई थी, आज समापन हुआ है उसका। निश्चित रूप से खादी ग्राम उद्योग यानी जो भारत की परंपरागत परिवारों की स्वावलंबन की व्यवस्था थी
उसी क्रम को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए ये उद्योग बोर्ड और आयोग दोनों काम कर रहा है। पहले हम अपने हुनर के बल पर और परंपरागत पारिवारिक उद्यमिता के बल पर दुनिया के अंदर भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, निश्चित आने वाला दिन हम उसी दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से एक दिन पूरे देश में हम स्वावलंबी हर परिवार को बनाएंगे, इस दिशा में ये विभाग और ये बोर्ड काम कर रहा है। पब्लिक का रुझान इस बार कैसा देखने को बढ़ रहा है? पब्लिक का रुझान बढ़ रहा है उत्तरोत्तर। अब लोग ये मान रहे हैं कि अगर हम कुटीर उद्योग को और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देंगे तो एक पंथ दो काज होगा, एक तो मेरा स्वयं जरूरत पूरी होगी और दो पैसा बचेगा तो उस हाथ में जाएगा जो जरूरतमंद हाथ है, जो जरूरतमंद परिवार है। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही होता है अनुशासित। गोरखपुर में होने वाले किसान मोर्चा के सम्मेलन की तैयारी बैठक करने के पश्चात सीएम योगी बस्ती जनपद के लिए हुए रवाना। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे किसान सम्मेलन को संबोधित। पुलिस आरक्षी परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, मुकदमा दर्ज करके होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर से उड़े वायुसेना के जगुआर विमान का कुशीनगर के हितिमपुर में हुआ क्रैश। आईजी ने कहा, पायलट सुरक्षित, नहीं हुई कोई जनधन की हानि। शासन के विकास परक योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नवनिर्मित कुश्ती हाल का फीता काटकर किया उद्घाटन। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी में सीधी भर्ती परीक्षा। एसएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। कहा, सुचिता पूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक हॉकी मैदान का फीता काट कर किया उद्घाटन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल में नहीं था स्टोटर। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के नगवा व बुड़ैली में विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित भाव से कर रही है कार्य। गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। बाबा गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर लोग मांग रहे हैं मन्नत। निरस्त समायोजन की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। और मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग हुआ समापन। कुशीनगर खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सपाहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवा श्रम को ग्राम उद्योग में मिला प्रथम स्थान। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।